Okay, here we see Paul says, imitate me just as I also imitate Christ. यहाँ पर पॉलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ. Paul is giving us a very deep statement for us to follow. पॉलुस एक बहुत ही गहरी बात हमें बताता है करने के लिए. I'm going to start or resume the same sermon that I was talking few weeks ago. और मैं उसी प्रचार को उसी श्रृंखला को आपसे बात करने वाला हूं जो कुछ हफ्तों पहले मैंने आपसे बात की थी. Be imitators of God. मसीह के यानी कि मसीह की चाल चलें. And we have to imitate God. और हमें परमेश्वर की सी चाल चलना है. We must be the imitator of God. हमें परमेश्वर की नकल करना है. Here Paul says. यहां पे पॉलुस कहते हैं imitate me. मेरी सी चाल चलो. Just as I also imitate Christ. बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं. Paul is asking us to imitate him as he imitates God. पॉलुस हमसे ये कहता है कि हम परमेश्वर की चाल हम उसकी जैसे चाल चले जैसा वो मसीह की चाल चलता है. The goal of every Christian is to become like Christ and that is what God has in mind. हर एक मसीह व्यक्ति का एक लक्ष्य है कि वो मसीह के समान बन जाए और परमेश्वर का भी यही सोच विचार है. Now let's understand what you mean by imitating. आइए हम समझें कि नकल करने का क्या अर्थ है. Imitate means to mimic or to impersonate. चाल चलन चलने का यानी किसी की नकल करने का मतलब है किसी की नकल उतारना किसी की उसके जैसा ही करके दिखाना. To make copy or reproduce closely. बिल्कुल उसी की जैसा नकल करना हूबहू उसके जैसा बनना. The Greek word for imitator is mimetai. जो यूनानी शब्द है इस नकल करने का वो है mimetai. It comes from a Greek word. The imitator word is coming from a Greek word called mimetai. और ये एक यूनानी शब्द से निकला है mimetai. Which means mimic. जिसका मतलब है नकल उतारना. Mimic. नकल उतारना. Copy somebody. किसी की नकल करना. Now listen very carefully. अब सुनिए इस बात को ध्यान से. What an extraordinary exhortation that the great exemplar to every Christian is to be like God. और ये क्या ही एक बड़ी अलौकिक बात है हर एक उस मसीह व्यक्ति के लिए कि उसे परमेश्वर के समान बनना है. We live as he lives. हम वैसे जीते हैं जैसे वो जीता है. We are just like him. हम बिल्कुल उसके समान हैं. Because we are created by him. क्योंकि हम उसके द्वारा बनाए गए हैं. Hallelujah. 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 All children they behave like their parents. और सभी बच्चे अपने माता-पिता के समान बर्ताव करते हैं. They show their home and their house and their parents. वो अपने घर को अपने माता-पिता को प्रदर्शित करते हैं. This commandment is not found only in I'll tell you something. Let's read Ephesians chapter 5 verse 1. आइए हम इफिसियों 5 का 1 भी पढ़ेंगे इसके साथ. And here Paul says. और यहां पर पॉलुस इस बात को कहता है. Be imitators of God therefore as dearly loved children. इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो. इफिसियों 5 का 1. Okay. Now we see here Paul is saying that we should imitate God. अब यहां पर हम देखते हैं पॉलुस यहां पर भी इस बात को कहता है कि हमें परमेश्वर का अनुकरण करना जरूरी है. Just like dear children. प्रिय बालकों के समान. Why is saying that? वो क्यों इस बात को कहता है? Paul is telling us. पॉलुस हमसे कह रहा है. Every child they pretend or they copy their parents. हर एक बालक हर एक बच्चा अपने माता-पिता की नकल करता है. They mimic their parents. वो अपने माता-पिता की नकल उतारता है. So if you remember your childhood. So अगर आपको अपना बचपन याद होगा. We try to look like our father. हम अपने पिता के जैसे दिखने की कोशिश करते थे. We'll use his shirt or his coat and try to wear and look like a father. हम अपने पिता की कमीज को अपने पिता के कोट को डालकर हम उनके जैसा दिखने की कोशिश करते थे. But imitating God is not just found in these two verses. There are several other places scripture is encouraging us to imitate God. लेकिन परमेश्वर के समान बनना परमेश्वर की नकल करना केवल इन दो वचनों में ही नहीं लेकिन ऐसे बहुत तेरे वचन है जहां पर हमें ये उत्साहित किया जाता है बोलकर कि हम परमेश्वर के समान बने. God has created us. परमेश्वर ने हमें बनाया है. And Bible says. और बाइबल कहती है. In Genesis 1:27. उत्पत्ति 1:27 में. And
God created us in his own image and likeness. परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा. So we are the image of God. तो हम परमेश्वर के स्वरूप हैं. Means we are the copy of God. इसका मतलब हम परमेश्वर की ही प्रतिरूप में हैं. Oh, God looks exactly the way we look. परमेश्वर बिल्कुल वैसा दिखता है जैसे हम दिखते हैं. And we are created in the likeness of God. और हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं. What does that mean? इसका मतलब क्या है? We can behave the way God behaves. हम वैसे व्यवहार कर सकते हैं जैसे परमेश्वर करता है. We can act the way God acts. जैसे परमेश्वर काम करता है वैसे हम भी कर सकते हैं. We are not physically the physical representation of God, but we are also the mental and spiritual representation of God. हम केवल शारीरिक रूप से परमेश्वर को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन हम आत्मिक रीति से और मानसिक और सोच विचारों से भी परमेश्वर को दर्शाते हैं. So over and over, Bible is telling us. Be like God. So बार 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 बाइबल हमें उत्साहित करके कह रही है कि परमेश्वर के समान बनो. When you go in the world, जब आप दुनिया में जाएंगे, people will say, hey, you cannot be like God. लोग कहेंगे कि ओ तुम परमेश्वर के समान नहीं बन सकते. Don't try to be like God. परमेश्वर के समान बनने की कोशिश मत करो. But Bible is telling us. लेकिन बाइबल हमें कहती है, be like God. परमेश्वर के समान बनो. Oh, lazy Christian, they say, we cannot be like Jesus. आलसी मसीह कहेंगे हम यीशु के समान नहीं बन सकते हैं. Or people who cannot imitate God, they say, don't try to be God. वो लोग जो परमेश्वर के समान नहीं बनते हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर के समान बनने की कोशिश मत करो तुम. If you are a lazy Christian, अगर आप एक आलसी मसीह हैं, if you don't pray, आप प्रार्थना नहीं करते, if you don't love God, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते आप, if you do not forgive people, अगर आप लोगों को माफ नहीं करते, if you do not be like, if you're not like a God, अगर आप एक परमेश्वर के समान व्यक्ति जीवन नहीं जी रहे, if you're not like God, अगर आप परमेश्वर के समान नहीं हैं, you'll say, don't be like God. तो आप यही कहेंगे कि परमेश्वर के समान मत बनो. Becoming like God is a tough job. परमेश्वर के समान बनना बहुत मुश्किल काम है. And nobody can do that. और कोई भी नहीं कर सकता ये. But let's see what Jesus said. लेकिन आइए देखें यीशु ने क्या कहा. Jesus said in Matthew 5:48. और यीशु मसीह ने मत्ती 5:48 में कहा. He said. उसने कहा. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है. आमीन 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 आमीन. Can I hear amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? आमीन आमीन. Who is saying this? कौन कह रहा है इस बात को? Jesus of Nazareth. यीशु नासरी. Our Lord is saying. हमारा प्रभु कहता है. Be perfect as your heavenly Father. तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है. He is not saying be perfect like your parents. वो ये नहीं कहता कि अपने माता पिता के समान तुम सिद्ध बनो. He is not saying be perfect like apostles. वो ये भी नहीं कहता प्रेरितों के समान सिद्ध बनो. He is not saying be perfect like your church leader. वो ये नहीं कहता कलीसिया के अगुओं के समान सिद्ध बनो. He is not saying that be perfect like yourself. वो ये भी नहीं कह रहा अपने समान सिद्ध बनो. But he's saying. लेकिन वो कहता है. Be perfect like Father, पिता के समान सिद्ध बनो. Who is saying this? कौन कह रहा है ये? Jesus is saying this. यीशु कहता है. Can Jesus say something which is not possible? क्या यीशु कुछ ऐसा कह सकता है जो मुमकिन ना हो? It is a lie. और ये झूठ है. Many people think no, it's not possible to be like God. लोग ये सोचेंगे कि हाँ परमेश्वर के समान बनना ये नामुमकिन है. Jesus is saying. यीशु कह रहा है. Paul is saying. पौलुस कहता है. Be like God. परमेश्वर के समान बनो. Imitate me as I imitate Christ. मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चल रहा हूँ. And Jesus said, be perfect like your heavenly Father. यीशु ने ये कहा कि तुम पिता के समान सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है. Then why we cannot be like Father? तब हम क्यों पिता के समान नहीं बन सकते? My dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों. My dear children. मेरे प्रिय बच्चों. My dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों. It is a lie of Satan. ये शैतान का झूठ है. And he's telling you. वो आपसे कहता है. You cannot be like Father. तुम पिता के समान नहीं बन सकते. It's a lie. ये एक झूठ है. You cannot be like Father. कि तुम पिता के समान नहीं बन सकते. You cannot be like Jesus. तुम यीशु के समान नहीं बन सकते हो. We can definitely be like Father. हम अवश्य पिता के समान बन सकते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. We can forgive as Father forgives. हम वैसे माफ कर सकते हैं जैसे पिता माफ करता है. We can love as God loves. जैसे परमेश्वर प्रेम करता है हम वैसे प्रेम कर सकते हैं. We can behave the way God behaves. जैसे परमेश्वर व्यवहार करता है वैसे हम भी कर सकते हैं. Even John is talking like this. यहाँ तक कि यूहन्ना भी इसके बारे में बात करता है. In 1 John chapter 4 verse 11. पहला यूहन्ना 4:11 में वो कहता है. He says like this. वो इस प्रकार से कहता है. Dear friends. प्रिय मित्रों. Since God so loved us, we also ought to love one another.
और क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा इसलिए हम भी आओ आपस में प्रेम रखें. So over and over, बार बार Jesus, यीशु मसीह, John, यहोन्ना, Paul, पौलुस, everyone, हर एक जन, they are telling us that we should be like the Father. वो हमसे ये बार बार कह रहे हैं कि हम पिता के समान बने. They are telling us that we can be like Jesus. वो ये कह रहे हैं कि हम यीशु के समान बन सकते हैं. Be perfect like Father. पिता के समान सिद्ध बनो. Love others like God. को परमेश्वर के समान प्रेम करो. So over and over, so बार बार, we see that we can be like the Father. हम देखते हैं कि हम पिता के समान बन सकते हैं. We can be like God. हम परमेश्वर के समान बन सकते हैं. Even Peter, यहां तक कि पत्रस भी. I talked about Paul, I talked about John, and even our Lord Jesus is saying now what Peter is saying. और देखिए मैंने अभी बात की पौलुस के बारे में, यहुन्ना के बारे में, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में. अब देखिए पत्रस क्या कहता है. First Peter chapter 1 verse 15 and 16. और पहला पत्रस पहला अध्याय 15 और 16 आयत में. And he said like this. और वो इस प्रकार से कहता है. But just as he called you is holy, so be holy in all you do. पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो. For it is written. क्योंकि लिखा है. Be holy because I am holy. पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ. Hallelujah. Hallelujah. My dear friends. मेरे प्रिय मित्रों. We can be holy. हम पवित्र बन सकते हैं. Holiness is not only for God. पवित्रता केवल परमेश्वर के लिए नहीं है. God is holy. परमेश्वर पवित्र है. God is the only holy person. परमेश्वर ही एकलौता पवित्र जन है. But because he created us, लेकिन क्योंकि उसने हमें रचा है. In his image, अपनी समानता में. In his likeness, अपने स्वरूप में. That's why we can be holy. इसलिए हम भी पवित्र बन सकते हैं. If Satan is lying to you, अगर शैतान आपसे झूठ बोल रहा है. You cannot leave pornography. तुम पोर्नोग्राफी को नहीं छोड़ सकते. You cannot leave the bad pictures. तुम बुरी चित्रों को देखना बंद नहीं कर सकते हो. You cannot come out of the lust. तुम लालसाओं से बाहर नहीं निकल सकते. You cannot take your eyes off from the lustful photos. तुम अपने लालसा भरी चित्रों से अपनी आंखों को नहीं हटा सकते. Youngsters, जवानों, I'm talking to you. मैं आपसे बात कर रहा हूँ. If Satan is taking your eyes to the bad pictures, अगर शैतान तुम्हारी आंखों को गलत चित्रों को दिखाने में लेके जाता है. If he is giving you the wrong voices, अगर तुम्हारे कानों में गलत आवाज लेकर आता है. If he is taking you to the world, अगर दुनिया में वो आपको लेकर जा रहा है. If you listen the world, अगर दुनिया को वो आपको सुना रहा है. The world will tell you, दुनिया आपसे कहेगी. No, you cannot be holy. नहीं 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 तुम पवित्र नहीं बन सकते हो. Let's enjoy the pornography. आइए अश्लील चित्र को आनंद लो. Let's enjoy the bad pictures. बुरी चित्र को आनंद उठाते रहो. Let's enjoy the pool party. और पूल पार्टीज का आनंद उठाते रहो. Let's enjoy the trips with the non-believers. और अन्य जातियों के साथ यात्रा करो और आनंद उठाओ. But God is telling us, लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है. Because we are created in his likeness. क्योंकि हम उसकी समानता में रचे गए हैं. Satan is twisting his word. शैतान उसके वचन को घुमा फिरा रहा है. As he twisted in the garden of Eden, जैसे उसने अदन की वाटिका में घुमाया था. God said to Adam and Eve, परमेश्वर ने आदम हव्वा से कहा, the day you will eat from this fruit, you will die. जिस दिन तुम इस फल से खाओगे निश्चय मर जाओगे. The day when you will eat from this tree, you will definitely die. जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे निश्चय मर जाओगे. But Satan came to Adam and Eve, लेकिन शैतान हव्वा आदम और हव्वा के पास आता है. And said to them, और उनसे कहता है, no 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 no, नहीं 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 नहीं, you will definitely not die. तुम निश्चय नहीं मरोगे. You will definitely not die. तुम निश्चय नहीं मरोगे. He will come to you. वो आपके पास आएगा. And he will tell you. और वो आपसे कहेगा. Holiness is not for you. पवित्रता तुम्हारे लिए नहीं है. Only it is for God. ये केवल परमेश्वर के लिए है. Nobody can be holy. कोई भी पवित्र नहीं बन सकता है. But Bible says. लेकिन बाइबल कहती है. Peter is saying. पत्रस कहता है. The one who called you is holy. जिसने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है. So be holy. तो इसलिए पवित्र बनो. Because he is holy. क्योंकि वो पवित्र है. He is quoting from the book of Leviticus. और वो लेवी व्यवस्था की पुस्तक से इस बात को कह रहा है. We can be holy. हम पवित्र बन सकते हैं. Listen, people of God. सुनिए परमेश्वर के लोगों. You can be trapped in the biggest revelation and leave the basic foundations. आप सबसे बड़े-बड़े प्रकाशनों में फंस के जो नींव की बातें हैं उसको छोड़ सकते हैं. Today the church has to be mature in foundation. आज के दिनों में कलीसियाओं को नींव के वचनों में परिपक्व बनने की जरूरत है. Holiness is a foundation. पवित्रता नींव है. Hallelujah. Hallelujah. Love is a foundation. प्रेम नींव है. Humbleness, being humble is a foundation. नम्र रहना ये एक नींव है.
listening to the word of God is a foundation. परमेश्वर के वचन को सुनना ये नींव है. Hallelujah. Hallelujah. You may go for the biggest revelation. आप सबसे बड़े प्रकाशनों के पीछे भागेंगे. But if you don't love. लेकिन अगर आप प्रेम ना करें. If you're not holy. अगर आप पवित्र नहीं हैं. If you're not strong in the word. अगर आप वचन में मजबूत नहीं हैं. Nothing can save us. कुछ भी हमें नहीं बचा सकता फिर. We must have a strong foundation first. हमारी नींवें मजबूत होनी जरूरी है पहले. How many are here with me? आप में से कितने लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं? Hallelujah. Hallelujah. Now to imitate God, I'm going to give you some points. अब परमेश्वर की नकल करने के लिए यानी कि उसकी सी चाल चलने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं. And we must focus on those points. और हमें उन बातों पर ध्यान देना है. Number one point. सबसे पहली बात. I'm going to give you four or five points maybe. I'm not going to give all those today, but let's start with the first point today. और चार पांच पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सारे आज नहीं लेकिन एक एक करके मैं आपको बताऊंगा. आइए पहले से शुरुआत करें हम. Number one. सबसे पहला. To imitate God. परमेश्वर की नकल करने के लिए. We must know God. हमें परमेश्वर को जानना जरूरी है. Hallelujah. Hallelujah. How can you imitate somebody whom you don't know? आप ऐसे कैसे किसी की नकल कर सकते हैं जिसको आप जानते ही नहीं? If anybody wants to imitate me, अगर कोई भी मेरी नकल करना चाहता है, they must know me first. तो पहले उन्हें मुझे जानना जरूरी है. They must have some kind of encounter with me at least. और मेरे साथ कम से कम उनका एक मिलना मुलाकात होनी जरूरी है. So anyone who wants to dress like me, so कोई भी अगर जो मेरे से मेरे जैसे कपड़े पहनना चाहता है, they want to do the hairstyle with और मेरी जैसा हेयरस्टाइल रखना चाहता है. For example, sometimes you copy the Bollywood. और उदाहरण कई बार हम बॉलीवुड के लोगों को देखकर हम उनकी नकल करते हैं. How we imitate them? हम कैसे उनकी नकल करते हैं? We imitate them by watching them on TV. हम उन्हें टीवी पे देख के उनकी नकल करते हैं. Some people follow their diets. और कई कुछ लोग तो उनके जो डाइट होता है उनका खाना पीना होता है उसको कॉपी करते हैं. Some people follow their lifestyle. कुछ लोग उनकी जीवन शैली की नकल करते हैं. Their yoga. उनके योगा को नकल करते हैं. Their exercise. उनके व्यायाम को नकल करते हैं. The way they dress up. जिस तरीके से उनका कपड़ा पहरावा है उसकी नकल करते हैं. How we do that? हम कैसे करते हैं? Knowing them more. उनको जानकर ज्यादा से ज्यादा उनको जानकर. So number one point, people of God. तो सबसे पहली बात है जो परमेश्वर के लोगों. If you want to imitate God, अगर आप परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं, you must know God first. तो आपको पहले परमेश्वर को जानना जरूरी है. Hallelujah. Hallelujah. As a Christian, एक मसीह होने के नाते, Paul and apostles and Jesus is telling us and giving us a job to do. पॉलुस प्रेरित प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना यहाँ में काम दे रहे हैं करने के लिए. He is telling us. वो हमसे कह रहे हैं. Do what God does. जो परमेश्वर करता है वही करो. हो सकता है आपको ना मालूम है मुझे क्या करना है. मेरे को बताओ तो सही क्या करना है मुझे. क्या बदलना क्या है मुझे. मैं क्या गलत क्या कर रहा हूं. आखिर मेरे अंदर गलत है क्या. मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको दूंगा. जब आपको ये पता हो कि मेरे अंदर क्या गलत है ये जानना चाहे कुछ मत करिए. किसी को मत पूछिए. क्रूस की ओर देखिए और आपको आपकी गलतियां साफ साफ दिखाई देने लग जाएंगी. कुछ मत करिए. किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं. कोई आपको आके नहीं बताएगा आप कहां गलत है. जब आप क्रूस की ओर देखेंगे और ये वचन की ओर देखेंगे इसकी ओर इसको पढ़ते ही आपको पता चलने लग जाएगा कि मैं कहां पर गलत हूं. यह काम कहीं नहीं हुआ पहले. मैं बता रहा हूं मेरे साथ भी नहीं हुआ था. मुझे किसी ने नहीं बताया मैं कहां गलत हूं. 2004 में मैंने यह पुस्तक लिया इसको पढ़ना चालू किया और आंखों से आंसू गिरने लग गए और समझ में आने लग गया मैं कहां कहां गलत हूं. आपको भी अगर उसकी तलाश है क्योंकि कुछ लोगों को तलाश है नहीं है. कई बार किसी और को तलाश है हम उसके पीछे लगकर ढूंढ रहे हैं. मेरी माँ को प्रभु चाहिए मुझे तो मुफ्त में मिल गया इसीलिए जो चीज मुफ्त में मिलती है उसका कदर हम नहीं जानते. शायद माँ चर्च आई है प्रभु को ढूंढने. बच्चा फ्री में आया है इसलिए उसको फ्री का यीशु मसीह समझ में नहीं आ रहा है. कई बार पिता दुखी होकर प्रभु को ढूंढने आया है. पत्नी फ्री में आई है इसलिए उसको फ्री में समझ में नहीं आ रहा है. यीशु मुफ्त में समझ में नहीं आता है. जब आप कुछ कीमत देते हैं उसको कीमत मतलब जब आपको थोड़ा चल कर आना है थोड़ा मेहनत करना है थोड़ा उसको ढूंढना है तो उसको कीमत समझ में आती है. कोई हमें इसीलिए मैं लोगों को बोला जबरदस्ती पकड़ के मत लाइए किसी को क्योंकि वो जबरदस्ती बैठेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस प्रभु के बारे में सुन रहा हूं क्या मतलब क्या है इसका.
Jesus never forced anybody. यीशु ने कभी भी किसी पर भी दबाव नहीं डाला. But he shared about the Father. लेकिन उसने पिता के बारे में उन्हें बताया. He shared about love of God. उसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में उन्हें बताया. Listen very carefully. सुनिए ध्यान से इस बात को. Church, are you with me? कलीसिया क्या आप मेरे साथ में हैं? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. To imitate God. परमेश्वर की नकल करने के लिए. That is what Bible saying. बाइबल यही कह रही है हमें. Our job is to imitate God. हमारा काम है परमेश्वर के समान हम बने. So if you don't understand what is my job as a Christian, so अगर आप ये बात नहीं समझ रहे हैं कि एक मसीह होने के बाद मेरा काम क्या है, what should I do as a believer from morning to night? सुबह से रात तक एक विश्वासी होकर मैं क्या करूं? I'll tell you. मैं आपको बताता हूं. Our job is to imitate God from morning to night. हमारा काम ये है कि सुबह से रात तक हम परमेश्वर की नकल करें. Amen. We must do what God does. हमें वो करना है जो परमेश्वर करता है. We must force ourselves to look like God. हमें अपने आप को आगे लेकर आना है कि हम परमेश्वर के समान दिख सकें. Hallelujah. Hallelujah. Now listen very carefully. अब सुनिए इस बात को. The church today is interested to know the celebrities. और इन दिनों में कलीसिया अभिनेता और अभिनेत्रियों को जानने में चुक है. They want to know the celebrity from the Bollywood, cricket, football, and they imitate them. और वो बॉलीवुड से, क्रिकेट से, फुटबॉल से उनके जो स्टार हैं, उनके लोगों को जानने में चुक हैं. How can we imitate God if we are more interested in others? हम कैसे परमेश्वर की नकल कर सकते हैं अगर हम दूसरे लोगों में ज्यादा इच्छुक हैं? I'll tell you something. मैं आपको बताता हूं कैसे. Your interest is in your phone. आपका जो आपकी इच्छा है वो आपके फोन में है. It means, इसका मतलब, if you are interested in God, अगर आपकी रुचि आपके परमेश्वर में है, you will have Bible in your phone. तो आपके फोन में बाइबल होगी. You will have worship songs in your phone. आराधना के गीत आपके फोन में होंगे. But if you're interested in Bollywood, लेकिन अगर आपकी रुचि बॉलीवुड में है, you will have something else in your phone. तो आपके फोन में कुछ और होगा. In every personal belonging, हर एक निजी आपके सामान में, you will have what is your interest. आपके पास वो होगा जो आपकी रुचि होगी. You may have makeup kit in your bag. हो सकता है आपके बैग के अंदर आपका मेकअप का किट हो. That is okay. वो अच्छा है. Everybody carry that. और सब लोग लेकर चलते हैं. But you will also have Bible in your bag if you love God. लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके बैग में बाइबल भी होगी. Wherever you go, जहां कहीं भी आप जाएंगे, you will carry your Bible. आप अपनी बाइबल को लेके जाएंगे. Why? क्यों? Your interest is God. क्योंकि आपकी रुचि आपके परमेश्वर में है. Hallelujah. Hallelujah. मैं कहीं भी जाता हूं, दुनिया में घूमने भी जाता हूं, तो भी बाइबल लेके जाता हूं. वेयर एवर आई गो, जहां कहीं भी मैं चाहता हूं, मतलब हम, मैं बता रहा हूं, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, हम कहीं भी दुनिया में जाएंगे बाइबल लेके जाएंगे, क्योंकि हमें इसको पढ़ना होता है. हम जानते हैं इसके बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है. और कुछ हम ऐसे भी हैं जो चर्च भी आएंगे तो नहीं लेकर आएंगे इसको. क्यों? किसी ने हमें फ्री में दिया यीशु. क्यों? क्योंकि हमारी फितरत बदल नहीं रही है. हम सालों साल वैसे ही रहना चाहते हैं. हमें उसका वैल्यू नहीं पता है. बार बार यहां से बोले जाता, लिखिए, हम सामने आके बैठ जाते बुद्ध की तरह. लिखना तो दूर, हमारे पास पढ़ने के लिए भी नहीं है. जो लिख सकते वो भी नहीं लिख रहे. किसके, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है. मेरा काम सिखाना है. आप सीखे तो सही, नहीं सीखे तो सही. जो सीख गया वो जीवन पार कर जाएगा. कुछ बातें थोड़ा सा बोलना पड़ता है. सुनिए ध्यान से, ये वचन, ये आपकी गाड़ी में होगा, ये आपके बैग में होगा, मेकअप किट होगा, वो आपको चाहिए, जरूरी है, पर ये भी होगा. आप जहां भी जाएंगे ये आपके साथ जाएगा, क्योंकि जिस चीज की आपको भूख है वो हमेशा आपके पर्सनल लाइफ में दिखेगी. यानी कि आपका फोन आपका पर्सनल है, उसमें यीशु दिखेगा. आपका बैग आपका पर्सनल है, उसमें यीशु दिखेगा. आपका घर पर्सनल है, आपका रूम पर्सनल है, वो सब जगहों पर आप प्रभु को स्थान देंगे अगर आप उसके लिए भूखे और प्यासे हैं तो. क्या मैं सच बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपका बेडरूम में जरूर आप प्रभु के गीत चलाएंगे, कोई बोलने की जरूरत नहीं है. आपका बेडरूम में जरूर यीशु का वचन होगा, जरूर. जिनके पास गाड़ियां हैं उनकी गाड़ी में जरूर ये वचन होगा. क्यों? क्योंकि हम उसको नकल करना चाहते हैं. सुबह से शाम तक हमारा काम क्या है? अगर मुझे गुस्सा आया तो मुझे याद करना है, नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने मुझे मना किया है. अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम हो रही है
अगर मेरे से कोई माफ नहीं हो रहा है तो मुझे माफ करना है, इसलिए नहीं क्योंकि हो सकता है वो माफी के लायक ना हो, पर मुझे इसलिए माफ करना है क्योंकि मुझे उसकी नकल करनी है। यीशु क्या कहता है? मैं अपने आप कुछ नहीं करता, ऐसा बेटा हूं जो कुछ पिता को करते हुए देखता हूं वही करता हूं। Come on. कहता है मेरा भोजन, सब लोग बोलिए भोजन। हम लोग भोजन के लिए कितना फास्टिंग में टेंशन है, मैं भी जाके रोज, कुछ लोग भाग जाता है, कुछ लोग को लंगर पसंद नहीं, कुछ लोग को खाना अलग अलग चाहिए, टेस्ट कितना अच्छा लगता है, मैं अलग अलग खाना चाहिए। यीशु कहता है मेरा भोजन पिता की इच्छा को पूरा करना है। वो कहता है तुम्हें होटल में जाके तृप्ति मिलती होगी, तुम्हें बढ़िया खाना बना के, बढ़िया अच्छा खाना खा के तृप्ति मिलती है, पर मेरी तृप्ति, मेरी संतुष्टि जिस दिन मैं सुबह उठकर उसकी इच्छा पूरी कर लेता हूं, उस दिन मुझे महसूस होता है मैंने आज का खाना खा लिया है। कम ऑन आमेन। एवरी डे व्हेन आई वेक अप एंड आई डू द विल ऑफ माय फादर आई फील लाइक आई एम सेटिस्फाइड। हर दिन जब मैं उठता हूं और मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करता हूं, मुझे ऐसा लगता है मैं संतुष्ट हो गया हूं। वेक अप, जागिए चर्च कलीसिया, वेक अप, जागिए। टुडे वी आर हियर टू वेक यू अप। आज हम यहाँ पर आपको जगाने के लिए आए हैं। बट देयर विल बी डे, लेकिन एक दिन होगा, द नाइट इज कमिंग, वो रात आ रही है, व्हेन देयर विल बी नो वॉचमैन, जब कोई भी पहरेदार नहीं होगा, व्हेन देयर विल बी नोबडी टू गिव यू वेक अप, कोई भी आपको जगाने वाली पुकार देने के लिए कोई नहीं होगा। देयर इज नो वेक अप कॉल इन द ग्रेव, और कब्र में जाने के बाद जगाने की पुकार नहीं होती। Nobody is going to give you a sermon. कोई आपको प्रचार नहीं देगा। If we die today, अगर आज हम मर जाएं, we will lose our soul. तो हम अपने प्राण को खो देंगे। So let's wake up, church. तो कलीसिया जागिए। Let's love. आइए हम प्रेम करें। Let's forgive. माफ करें। Let's have a genuine love for each other. एक असली प्रेम, एक सच्चा प्रेम एक दूसरे से करें। Hallelujah. मेरा सवाल ये है, Do we even have a desire to know God? क्या हमारे अंदर इच्छा भी है परमेश्वर को जानने की? शुरुआत में जब एक पति और पत्नी का एक साथ होता है, शादी होता है, दोनों एक दूसरे को जानने के लिए बहुत इच्छा रखते हैं। तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, अच्छा मैं आपके लिए क्या खाना बनाऊं, आपको कौन सा कलर का साड़ी पसंद है, कितना प्रेम होता है उनके बीच में। कुछ लोगों को वो अनुभव बार बार मिलता है, शादी होने से पहले ही सारा पसंद। पास्टर डी मोहन सेड लाइक दिस, पास्टर डी मोहन ने इस प्रकार से कहा, We date before marriage. हम शादी से पहले डेट करते हैं, डेट पे जाते हैं। We talk too much before marriage. शादी से पहले हम बहुत बात करते हैं। Oh, day calling, night calling, video calling, this calling, रात को calling, video calling, voice calling. I was in Delhi in a pastor conference, was talking like this. और मैं दिल्ली में पास्टर्स के कॉन्फ्रेंस सभा में था और वो इस प्रकार से बात कर रहे थे। Oh, we will hide and talk to the boyfriend and girlfriend and parents. They say, oh, why are you wasting your time? Day calling, night calling, video calling, this calling, WhatsApp calling, chat and this. और वो दिन में हम फोन करते हैं, रात में फोन पे लगे रहते हैं और माँ बाप कहते हैं कि तुम अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, वीडियो कॉलिंग करते, दिन भर अलग अलग कॉलिंग ही करते रहते हो, बात करते रहते हो, टॉकिंग दिन भर बात कर रहे हो, बात कर रहे हो, बात कर रहे हो, so much that after the marriage the next day the talk is stopped. और इतनी बात शादी से पहले कर लेते हैं कि शादी होने के अगले ही दिन बात खत्म हो जाती है। सब डेट, सब बात, सब पार्टी शादी से पहले हो गया, शादी के बाद अब दुश्म चालू हो जाता है। अब कुछ बात रह नहीं गया करने के लिए। कितना हम जानने की कोशिश करते हैं, आज आपने क्या खाया, आज कौन सा सब्जी बना था, टिंडे बने थे, अच्छा मुझे भी पसंद है, नहीं भी पसंद है तो भी पसंद है। क्या हमने प्रभु से कभी ऐसी बात की? हम नहीं करेंगे प्रभु से ऐसी बात, क्योंकि हमें मालूम है अगर मैंने उसे एक ही सवाल पूछा ना तो मैं करने लायक नहीं रहूंगा। उदाहरण के लिए, प्रभु तुझे क्या पसंद है, वो छोड़ दे जिससे तू बात करता है।
हम सोचते हैं हम उससे स्मार्ट है, हम उससे स्मार्ट कभी नहीं हो सकते। हम में से हम इतने स्मार्ट है अपनी नजर में, हम उसके पास जाके फास्टिंग ले लिया 21 दिन, सारे काम कर लिए, प्रार्थनाएं कर ली, लेकिन एक सवाल हम कभी नहीं पूछेंगे, तुझे क्या पसंद है? क्योंकि उसको मालूम, हमें मालूम है, मैं जैसे ही ये सवाल पूछूंगा मुझे एक ही जवाब आएगा, तप्पड़ की तरह, वो छोड़ दे जो तू कर रहा है, वो बंद कर दे जो तू कर रहा है। हम वो सुनना नहीं चाहते हैं और ये उसको भी मालूम है, इसीलिए हम वहीं अटके पड़े हैं। और वो भी कह रहा है अटके रहे, 10 साल भी अटके रहे, मैं भी वहीं खड़े रहूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा टस से मस नहीं होता है, मैंने भी उसके साथ जीवन बिताया है। हेलो 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 यस हालेलुया हेलो आमेन। You will ignore. No, Lord, I will take a turn from here. आप नजरअंदाज करेंगे और एक कहेंगे नहीं नहीं प्रभु मैं यहाँ से मुड़ जाता हूँ। God says, you take U-turn, I'm staying here. प्रभु कहेगा तुम मुड़ते रहो, जहाँ से मुड़ना है मैं तो यहीं खड़ा हूँ। तो वापिस आएगा 5 साल बाद और फिर से यहीं शुरू करेंगे, करते रहे जो करना है, बात कर, डेट कर, जो करना है कर, मनमानी कर, वीडियो कॉल कर, व्हाट्सएप कॉल कर, जो करना है कर। पर 4 साल 5 साल बाद जब तुझे महसूस होगा कि मैंने अपना समय बर्बाद किया और कुछ नहीं किया, तो वापस से यहीं से शुरुआत करेंगे। ये मत आओ, आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसको खुद महसूस किया है, मैंने इसको खुद जिया है। हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा, वो नजरअंदाज नहीं करेगा। कैसे कर सकता है? यहोवा की आंखें क्या करती हैं? पृथ्वी को निहारती है, वो खोजता रहता, वो देखता रहता, उसकी आंखें हमारे, उससे अच्छा सैटेलाइट कुछ नहीं है प्रियो, इज वॉचिंग ओवर अस, वो हमारे ऊपर हम सबको देख रहा है, और वो देख रहा है हम क्या, हमारी प्रार्थनाएं अन्य भाषा वाली में भी हम क्या छोड़कर अन्य भाषा बोल रहे, वो भी देख रहा है। कम ऑन, आज थोड़ा मैं कुछ जगाने आया हूं, आपको लग रहा है प्रभु ये छोड़ के ना, ये दिल के करीब है, इसको छोड़ के तू जो बोलना चाहता बोल, मैं करूंगा, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो नंबर है, प्रभु कह रहा है मुझे यही तो चाहिए, क्योंकि वो ऐसा ही परमेश्वर है, वो ऐसा ही है, वो छोड़ता नहीं है। So my question again, do we have a desire to know God? So मेरा सवाल फिर से यही है कि क्या हमारे अंदर परमेश्वर को जानने की इच्छा है? Come back. आइए वापस आएं इस बात पर। Coming to church is one thing, but knowing God is another thing. कलीसिया में आना एक बात है, लेकिन परमेश्वर को जानना ये एक अलग बात है। Once again, कलीसिया में आना ये एक बात है, लेकिन परमेश्वर को जानना ये एक अलग बात है। You may come to church. आप कलीसिया में आ रहे होंगे। People are coming for 10 years. 10 साल से लोग आ रहे हैं। But knowing God, लेकिन परमेश्वर को जानना is totally a different experience. ये बिल्कुल अलग अनुभव है। You may be coming from the last 10 years. पिछले 10 सालों से आप आ रहे होंगे कलीसिया में। But the 1-year-old believer know God better than you. लेकिन 1 साल का विश्वासी आपसे ज्यादा अच्छे से जानता है परमेश्वर को। Why? क्यों? His hunger. क्योंकि उसके अंदर एक भूख है। His desire. उसके अंदर इच्छा है। To know God. परमेश्वर को जानने की। To talk about God. परमेश्वर के बारे में बात करने की। To act like God. परमेश्वर के समान काम करने की। You may say, my pastor know God very well. आप ये कहेंगे मेरे पास्टर परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानते हैं। My pastor preach a great sermon. मेरे पास्टर बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। Yes, your pastor may go to heaven, but not you. जी हाँ, आपके पास्टर स्वर्ग तो जाएंगे, लेकिन आप नहीं। Why? क्यों? Because his knowledge will not save you. क्योंकि उसका ज्ञान, उनका ज्ञान आपको नहीं बचाएगा। You also know God. आप भी जानिए परमेश्वर को। You also have the knowledge of Christ. आपको भी मसीह का ज्ञान होना जरूरी है। My mummy is a prayer warrior. मेरी मम्मी प्रार्थना योद्धा है। My papa is an evangelist. मेरे पापा सुसमाचार प्रचारक हैं। My papa is a pastor. मेरे पापा पासवान हैं। Your papa may go heaven. आपके पापा स्वर्ग शायद चले जाएं। Your mummy prayer warrior may go to heaven. आपकी मम्मी जो प्रार्थना योद्धा है वो चले जाएं स्वर्ग। But you will not go. लेकिन आप नहीं जाएंगे। Every person on this earth must have a personal encounter with the Holy Spirit. With Jesus. इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य, हर एक जन का पवित्र आत्मा के साथ
एक निजी रिश्ता और मुलाकात होनी जरूरी है. एवरी पर्सन द मदर द फादर द चाइल्ड एवरी वन हैव अ पर्सनल रिवलेशन ऑफ जीसस. और हर एक परिवार का हर एक जन चाहे माता चाहे पिता चाहे भाई चाहे बहन उसका मसीह का सच्चा प्रकाशन होना जरूरी है. हालेलुया हालेलुया. यू नो व्हाई? क्या आप जानते क्यों? आई टेल यू. मैं आपको बताता हूं. आई हैव अ डिफरेंट टेस्टिमनी. मेरी एक अलग गवाही है. गॉड सेव्ड मी. परमेश्वर ने मुझे बचाया. माय मदर हैज अ डिफरेंट टेस्टिमनी. मेरी माता की एक अलग गवाही है. वी ऑल हैव अ डिफरेंट टेस्टिमनी. हम सभी की अलग अलग गवाही है. आई हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. मेरा अनुभव अलग है. मुझे प्रभु ने किसी और चीज से बचाया है और मेरी गवाही अलग है. मेरी माँ को मेरी गवाही से नहीं बची है. मेरी माँ अपनी गवाही से बची है. उसका अपना गवाह है. उसका अपना कॉन्शियसनेस है. उसका अपना डिसीशन है. मेरे बच्चे इसलिए नहीं बचेंगे क्योंकि मैं पास्टर हूं. नो, बिल्कुल नहीं. वो नरक जा सकते हैं मेरा पास्टर, मैं पास्टर होने के बाद भी. ऐसा नहीं है कि पापा पास्टर है तो हम लोग स्वर्ग जाएंगे, पक्का लिखा है. सॉरी, ऐसा नहीं है. क्योंकि न्याय के दिन वहां फैमिली नहीं खड़ी होंगी, वहां एक एक करके हम खड़े होंगे. yes. और एक एक छोड़िए, पति पत्नी भी अलग अलग खड़े होंगे. पत्नी को अपना हिसाब देना है प्रभु को और पति को अपना हिसाब देना है प्रभु को. न्याय के दिन हम कपल्स नहीं जोड़े नहीं जाएंगे. पत्नी ने क्या किया अकेले में उसको बताना है. पति ने क्या किया बाहर उसको बताना है. आपको बातें ये अच्छी ना लगे पर सच है, ये सच है. किसी का पीछा करने की जरूरत नहीं है. मैं कह रहा हूं हमें किसी का पीछा करने की जरूरत नहीं. कौन कहां गलत कर रहा है, जिसका पीछा यहोवा की आंखें दिन रात कर रही हैं, हमें उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है. Yes, amen. मैं पत्नी के पीछे जाऊं कहां जा रही है, मैं पति की तहकीकात करूं वो कहां जा रहा है, मैं वो वाले लीडर को देखूं वो क्यों पीछे हट रहा है. मैं कहता हूं किसी के पीछे मत जाइए. अगर आपको मालूम है तब भी बात मत करिए. अगर आपने देख भी लिया कहीं तो भी चुप रहिए, क्योंकि यहोवा की आंखों से बड़ी आंखें इस पृथ्वी पर और किसी की नहीं है. Amen, amen. Hallelujah. वो आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है, वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है. वो आपका गड्ढा नहीं खोद रहा है, वो अपने लिए कब्र खोद रहा है. आज मैं आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, हम लोग बहुत दुनिया में सबसे अलग लोग हैं मसीह लोग, क्योंकि उनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है. उनका परमेश्वर देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, इसीलिए बहुत कुछ अलग है. मैं फिर से बोलना चाहता हूं, मेरी मम्मी प्रभु को बहुत अच्छे से जानती है. मेरी माँ दिन भर बाइबल पढ़ती है, इसलिए मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा. सॉरी बेटा, ये झूठ है, शैतान ने तुम्हें बोला है. हाँ, आपकी मम्मी की प्रार्थनाएं बेटे को बचाने के लिए काम आ सकती है. हो सकता है, होता है, हो क्या सकता है, जरूर होगा. अगर एक माँ प्रार्थना करे तो उसका बेटा जरूर एक दिन बचेगा. एक पिता प्रार्थना करे तो जरूर प्रभु उसकी बेटी को बचाएगा. पति पत्नी प्रार्थना करे तो जरूर परमेश्वर हमें बचाएगा. हाँ, प्रार्थना से काम होता है, नो डाउट. पर मेरे विश्वास से तुम भी मुफ्त में चलोगे स्वर्ग, ये नहीं होगा. ये कभी नहीं होगा. हर किसी को क्या लिखा है, हर एक जुबान अंगीकार करेगी और हर एक घुटना टिकेगा और कहेगा यीशु ही प्रभु है. यीशु ही प्रभु है. यीशु ही प्रभु है. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने घुटने टिकाए और अपनी जुबान से बोला कि यीशु ही प्रभु है? तब तो मुमकिन है. अगर मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, पास्टर ने बोला, लीडर ने बोला, तो आपके लिए अभी तक मुमकिन नहीं है मेरे भैया. कितने लोग सुन रहे हैं आज जो मैं बोल रहा हूं? नहीं नहीं, मेरी माँ प्रभु की नकल करती है. पास्टर साहब, आपका प्रचार मेरी माँ पे बिल्कुल ठीक है. मेरी माँ बहुत धर्मी है, जो जो आप बोलते हैं वो करती है. अच्छी बात है, माँ स्वर्ग जाएगी. अभी मैं दफना के आया हूँ बिब्बी को, मलोया वाली दादी को. वो स्वर्ग गई, मुझे मालूम है. आप सबको पता है, उसका जीवन बताता है वो स्वर्ग गई. हमें मेमोरियल सर्विस में कोई झूठ नहीं बोलना पड़ा. हमें मालूम है प्रभु की दासी थी. हमेशा बोलता हूँ, ऐसा जीवन जिए कि दफनाने वाले दिन आपके पास्टर को आपके बारे में झूठ ना बोलना पड़े. बहुत अच्छी बहन थी, बहुत अच्छा भाई था, बहुत ही एक्टिव थे, प्रभु से बहुत प्यार करते थे, प्रभु के साथ चलते थे.
फायदा नहीं होगा। हर एक जुबान अंगीकार करना है, हर एक घुटना टिकना है। किसी की प्रार्थना से आप बच सकते हैं पर आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग जाने के लिए अपनी जुबान से अंगीकार करना है और अपने जीवन को प्रभु को देना है। कितने लोग मेरा बात सुन रहा है? मुझे 2-3 मिनट दे दीजिए, मैं इसको खत्म कर रहा हूं। यहां पर आज एक ही पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, अगले हफ्ते फिर से बात करूंगा। लिसन वेरी केयरफुली पास्टर, ध्यान से सभी लोग। लुक एट द लाइफ ऑफ मेरी एंड मार्था। मरियम और मार्था के जीवन को देखिए। दे बोथ लव्ड जीसस। दोनों ही यीशु से प्रेम करती थी। बट विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग एंड रिएक्शन। लेकिन एक अलग समझ और प्रतिउत्तर से। बोथ आर सिस्टर्स। दोनों बहने हैं। बोथ आर इन द सेम हाउस। दोनों एक ही घर में हैं। मेरी एंड मार्था। मरियम और मार्था। बट देयर लव फॉर जीसस इज डिफरेंट। लेकिन यीशु के लिए उनका प्रेम अलग अलग है। देयर अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट। उनकी समझ अलग अलग है। हु आर यू टुडे? आज आप कौन है? आर यू मेरी? क्या आप मरियम हैं? सिटिंग एट द फीट ऑफ जीसस। यीशु के चरणों में जो बैठी हुई थी। और आर यू मार्था? या फिर आप मार्था हैं? वरीइंग अबाउट सो मेनी थिंग्स। जो बहुत सी बातों की चिंता में है। And Jesus said to her, और यीशु ने उससे कहा, ओ मार्था, हे मार्था, ओ मार्था, हे मार्था, Your mind is like a motor. और तेरा दिमाग एक मोटर के समान है। You worry about so many things. बहुत सी बातों की तू चिंता करती रहती है। But look at Mary. लेकिन मरियम को देख। She has chosen the best. उसने उत्तम को पा लिया है। What is best? उत्तम क्या है? Sit at my feet. मेरे चरणों में बैठ जा। And listen from me. और मुझसे सुन। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Let's listen from the Messiah. आइए हम उस मसीहा से सुने। Why people of God? Why? क्यों परमेश्वर के लोगों, क्यों? Why? क्यों? There's a huge difference between us. हमारे अंदर इसके बीच में एक बड़ा फर्क है। Let's pray for the hunger. आइए हम एक भूख के लिए प्रार्थना करें। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I want to be hungry for you. मैं आपके लिए और भूखा बनना चाहता हूं। I don't want to be a simple, boring Christian. मैं एक साधारण सा नामधारी बोरिंग क्रिश्चियन नहीं बनना चाहता। But I want to receive you. लेकिन मैं आपको पाना चाहता हूं। In Psalms 40, chapter 8. भजन संहिता 40 के 8 में it's really clear here. और यहाँ पर सच में बिल्कुल स्पष्ट बात लिखी हुई है। And David says like this. और दाऊद इस बात को कहता है। I delight to do thy will, O my God, thy law within my heart. हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी है। Wow. Hallelujah. Hallelujah. Such a beautiful verse. क्या ही खूबसूरत वचन है। Once again, एक बार फिर से। हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर। मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। मैं बोला अभी यीशु क्या बोल रहे हैं? मैं अपने आप कुछ नहीं करता हूँ। यीशु ने पूरे जीवन क्या किया? पिता की नकल की, पिता की इच्छा को पूरा किया। हमें अपने पूरे जीवन में क्या करना है? जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं, जिस भवन में हम आ रहे हैं, जिस ईश्वर की बात हम कर रहे हैं, उस ईश्वर की नकल करनी है। कितनी बातें उसने बोली है नकल करने के लिए। बोलता है दुश्मनों से प्रेम करो। आसान नहीं है पर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसकी नकल करनी है, मुझे उसके तरह दिखना है। माफ करो, सताने वालों को माफ करो, मुश्किल है। उसने भी तो कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेट्स डू दैट। आइए हम ऐसा करें। Last line I will say and go from here. और आखिरी बात कहकर मैं यहाँ से समाप्त करूँगा इसे। We need to realize and learn how men like Abraham, Joseph, Isaac, Moses imitated God and walked with God. और हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से अब्राहम, मूसा, यूसुफ, प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने परमेश्वर के वो समान चले और हमें उनकी नकल करने की जरूरत है। The history of the Bible is telling us. बाइबल का इतिहास हमें बताती है। All these people have imitated God. ये सभी लोगों ने परमेश्वर की ये चाल चले। अब्राहम इमिटेटेड गॉड। अब्राहम परमेश्वर की चाल चला। जोसेफ एंड आइज़क इमिटेटेड गॉड। यूसुफ और इसहाक भी परमेश्वर के समान चलते रहे। मोसेस इमिटेटेड गॉड। मूसा ने भी परमेश्वर की नकल की। एंड दे वर फुली डिपेंडेंट ऑन गॉड फॉर देयर नीड्स। और वो अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर थे। दे न्यू गॉड वेरी वेल। वो जानते थे परमेश्वर को बहुत अच्छे से। एंड इवन दे हैड मोर डिजायर टू नो गॉड। और यहाँ तक कि उनके अंदर परमेश्वर को जानने की और भी इच्छा थी। एंड गॉड गेव देम एवरीथिंग पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया परमेश्वर के लोगों। God who gave everything to Abraham, वही परमेश्वर जिसने अब्राहम को सब कुछ दिया, He will give us also, वो हमें भी देगा। The same God who lifted Moses, वही परमेश्वर जिसने मूसा को उठाया, who took Joseph out of prison and pit,
जिसने यूसुफ को उस गड्ढे से और उस जेल से बाहर निकाला. सेम गॉड विल लिफ्ट यू अप. वही परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा. लेट्स इमिटेट गॉड. आइए परमेश्वर की नकल करें. लेट्स इमिटेट हिम इन लव. आइए उसके प्रेम की नकल करें. लेट्स इमिटेट हिज बिहेवियर. उसके बर्ताव की नकल करें. लेट्स इमिटेट हिम इन फॉरगिविंग पीपल. उसके पर लोगों को माफ करने की नकल करें. लेट पीपल व्हेन सी दे सी यू दे मीट यू दे फील लाइक मीटिंग जीसस एंड टॉकिंग टू जीसस. होने दीजिए लोग जब आपसे मिले और आपसे बात करें तो वो उन्हें लगे कि आप वो यीशु से मिले हैं. हालेलुया हालेलुया. व्हेनेवर पीपल मीट यू. जब कभी भी लोग आपसे मिले दे मस्ट फील लाइक मीटिंग जीसस. उन्हें ऐसा लगे कि यीशु से वो मिले हैं. व्हेनेवर दे टॉक टू यू. जब कभी वो आपसे बात करें दे मस्ट फील लाइक टॉकिंग टू जीसस. उन्हें ऐसा लगे वो यीशु से बात कर रहे हैं. दिस होल वीक ये पूरे हफ्ते आई एम गिविंग यू होमवर्क. मैं आपको एक काम दे रहा हूं. इमिटेट गॉड. परमेश्वर की नकल करें. लुक लाइक गॉड. परमेश्वर के समान दिखे. बी होली लाइक गॉड. पवित्र उसके समान बने. बी परफेक्ट लाइक गॉड. उसके समान सिद्ध बने. एंड ट्राई टू एक्ट लाइक गॉड. परमेश्वर के समान काम करने की कोशिश करें. कम बैक टू द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड. और आइए हम परमेश्वर के समानता और स्वरूप में वापस आ जाएं. हालेलुया. गिव अ क्रेजी प्रेज टू द लॉर्ड. आइए जोरदार स्तुति परमेश्वर के नाम को दें. गॉड ब्लेस यू. गॉड